देख रहे हैं द खबर ग्वालियर। विदिशा के पठारी में हर्षोल्लास के साथ होली और रंग पंचमी का त्योहार मनाया गया। आपको बता दें कि होलिका दहन की राख से पहले मंदिरों में अर्पित किया गया और उसके पश्चात सारे लोगों ने मिलजुल करके बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही खुशियों के साथ रंगों के इस पावन पर्व को आयोजित किया और साथ ही साथ गले मिलकर के एक दूसरे से सारे के सारे दुख दर्दों को मिटा करके, भुला करके, एक दूसरे के साथ बड़े ही सहयोग के साथ, सहजता और सरलता के साथ इस पावन पर्व को पुनीत तरीके से, पावन तरीके से मनाया गया। आपको बता दें कि नगर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकालते हुए नगर के चारों होली दहन स्थलों की राख एकत्रित कर नगर के मंदिरों में भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया गया। इस पवित्र पावन राख से लोगों को तिलक लगाकर रंगोत्सव का शुभारंभ हुआ। श्री बड़ी माता मंदिर चामुंडा देवी को रंग अर्पित कर नगर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला गया। यह जुलूस पठार वाले हनुमान जी मंदिर से प्रारंभ हुआ जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ श्री बड़ी माता मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। इस जुलूस के साथ ही नगर की प्रसिद्ध संगीत में पारंपरिक फाग शामिल हुई। नगर में नागरिकों ने एक दूसरे के साथ माथे पर तिलक लगाकर गले मिलकर इस पावन पर्व को मनाया। इस दौरान नगर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहरे की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबर ग्वालियर। हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।